इस वक्त मैं मौजूद हूँ खेत में जहाँ तिल की फसल लगी हुई है। लगातार बारिश होने के बाद तिल की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। किसान भाई से पूरी जानकारी लेंगे कितना नुकसान हुआ इस फसल में। सबसे पहले तो बताइए आपका नाम क्या है? मेरा विनेश पाल नाम है। विनेश जी, मुझे बताइए कि जो तिल की फसल अभी लगी हुई है और खड़ी है, तो आपने ये काटी क्यों नहीं? कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो काफी हो गया, पूरी पहली बार तो काली पड़ गई है, दूसरी हवा चलती है तो पूरी नीचे गिर जाती है, तो काटने से कोई फायदा नहीं, लेकिन जो निकलेगी वो निकालेंगे, तो मुश्किल है उसका निकलना। मतलब आपका कहना है कि तेल काली पड़ चुकी है और अब काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि आधी झड़ भी गई है, तो कुछ मिलेगा नहीं? अब मुश्किल है कि मिलेगा, देखते हैं, क्योंकि मेहनत करना हमारा काम, मेहनत कर रहे हैं, अगर जो निकलेगी तो ठीक है, मुश्किल लग रहा है। सब पूरी नीचे झड़ चुकी है, वो उसको बीना भी नहीं जा सकता, वो तेल बीना भी नहीं जा सकता। अगर वैसी कोई चीज़ होती तो बीन जाती है, इसको नहीं बीना जा सकता, तो ये खेत में ही बर्बाद हो गई, बर्बाद ही हो गई थी, तो किसी काम नहीं आएगी। मैं देख पा रहा हूँ उग भी आए, उनके पौधे भी उगाए। हाँ, जो बारिश में जो नीचे जैसे गिर गई तो वो बारिश में निकल गए, पौधे निकल गए उसके, वो हमारे किसी काम के नहीं होंगे। एक और बात आइए, जो पहले कट गई थी बारिश के पहले जो तिल कट गई थी, तो उसमें कोई नुकसान हुआ है? हाँ, उसमें नुकसान है, जैसे कि बारिश पड़ी वो लग खेत में रखी हुई है, उसमें कहीं कीड़े पड़ गए हैं, काली पड़ गई। आइए हम आप आइए आपको दिखा देते जो आपने काटी है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ तिल लगी हुई है, साथ में अरहर की फसल भी लगी हुई है, दोहरी फसल लगाते हैं किसान यहाँ। ये देखिए यहाँ पूरा लगा हुआ है, तिल का पूरा बोलते हैं यहाँ। ये मतलब आपने बारिश से पहले काट ली थी ये? अच्छा, तो इसमें क्या नुकसान? इसमें बस ये काली पड़ गई, इसमें कीड़े पड़ गए हैं, पूरे कीड़े खा लेते हैं, कीड़े तिल को खा रहे हैं। पहले जो 1 बीघा में इतने क्विंटल निकलना था, अब कितना नुकसान हो गया? मुश्किल है, अगर कहो कि 5 किलो निकले, 10 किलो कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि कीड़े कीड़े के कहो पूरा खा ले, थोड़ा बहुत बच भी जाए, और जो खा लेते हैं तो बस केवल पूरी उड़ जाती है, उसमें दाना कुछ ही नहीं रहता, जो तेल निकलता है तेल नहीं रह जाता उससे, पूरे कीड़े खा लेते हैं, तेल नहीं निकलता उससे। अच्छा, तो 1 बीघा में जहाँ 1.5-1.5-2 क्विंटल निकलनी थी, वहाँ 5 किलो मुश्किल से 5 या 10, इसकी पूरी खराब हो गई जी। अच्छा, तो ये आपने अभी जो खेत में लगी हुई है वो थोड़ी बहुत निकल भी सकती है 10-15 किलो, लेकिन जो पहले कट चुकी है वो पूरे कीड़े खा लेते हैं जी। तो ये जो मैं देख पा रहा हूँ, इसके आपने तेल से निकाल लिया है? हाँ, इससे निकाला के रखे हुए, देखो कितने कीड़े लगे हुए। आइए, तो इसी जो पूरा रखा था तेल का, इसी से तेल निकाली गई है, और देखते हैं कि उसमें कीड़े कैसे लगे हैं, नुकसान हो गया है किसान भाइयों को। ये देखिए यहाँ मुझे तेल दिख रही है जो निकाली गई उस पूरे से, ये देखिए थोड़ा सा फोकस कीजिए, ये देखिए ये फोकस कीजिए कीड़ों पर, तो ये कीड़े लगे हैं तिल में, कोई काम की नहीं है तिल, तो हल पूरा कीड़े पूरे काला पड़ गया, ये नहीं तो पूरा सफ़ेद नहीं होने चाहिए था। और ये देखिए जी जी, क्योंकि इससे जो तेल होता है ये सब कीड़े खा लेते हैं। अच्छा जी, इसलिए इसमें कोई वजन नहीं रहता, कोई काम की नहीं रहती है। ये बारिश के पहले कटी हुई थी जो पूरी सफेद है, और अच्छा। बारिश के बाद ये बिल्कुल काली पड़ गई है। तो ये बारिश के पहले की निकाली हुई जी, ये बारिश के देख लो, ये बारिश के पहले की निकाली हुई है, और इसमें वजन भी है, इसमें वजन भी है, तिल 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 भी निकलेगा। अच्छा जी, मतलब इसका तेल भी निकलेगा और वजन भी होगा, वजन भी है और सफेद बहुत है जी, और अब जो मैं देख रहा हूँ वो पूरी काली पड़ गई जी। ये देखिए नुकसान है, इसमें नुकसान नहीं था पहले। ये देखिए बारिश की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है, ये काली वाली है, इसका कितना अंतर है? अच्छा, ये अब निकाली गई है, ये देखिए ये अब काली वाली है, इसमें पूरे, ये देखिए ये बारिश के पहले निकाली गई थी, ऐसी तिल दिख रही थी सफेद, और ये ओके बारिश की बात की है, और ये बारिश की बात की, पूरी काली पड़ गई है, हल्की पड़ गई है, तिल नहीं निकलेगा, और कीड़ों ने पूरे खा लिया है तिल को। देख सकते कितने तिल के कीड़े आ रहे हैं, काले कीड़े हैं जो तिल को पूरी तरह से नुकसान कर रहे हैं, तो ये बारिश की वजह से ये तिल खराब हो गई है, और इसका उत्पादन भी किसान भाइयों को कम मिल रहा है।